भारत में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 400 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण के 183 मामलों के विश्लेषण से पता चला है कि संक्रमित होने वाले करीब 50% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे, यानी 183 में से 87 लोग ऐसे थे जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। इस विश्लेषण के नतीजे साझा करते हुए केंद्र ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि अकेले वैक्सीन के दम पर महामारी को रोकना मुश्किल है। मास्क और संक्रमितों की निगरानी से ही ट्रांसमिट हो रहे वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण द्वारा जारी किया गया ये विश्लेषण बताता है कि 18 मामलों यानी 27% में विदेश यात्रा की कोई हिस्ट्री नहीं मिली। ये कम्युनिटी में ओमिक्रॉन की मौजूदगी का संकेत है। इसमें ये भी बताया गया कि संक्रमितों में 87 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे, जबकि 3 लोग बूस्टर शॉट भी ले चुके थे। कुल मिलाकर 183 संक्रमितों में से केवल 3 अनवैक्सीनेटेड थे और 2 लोगों ने पहली डोज ली। केंद्र द्वारा जारी विश्लेषण के मुताबिक 73 लोगों के वैक्सीनेशन स्टेटस की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि 16 लोग वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं थे। कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के घरों में ट्रांसमिट होने का जोखिम डेल्टा से बहुत ज्यादा है। घर में एक ऐसा व्यक्ति इन्फेक्शन लेकर आता है जिसने बाहर मास्क नहीं पहना था, ऐसे लोग घर में बाकी सदस्यों को संक्रमित करेंगे। ओमिक्रॉन में यह खतरा बहुत ज्यादा है, हमें अपने दिमाग में ये बातें बैठा लेनी चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा, मैं देखभाल की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं। आगे बहुत से त्योहार और न्यू ईयर आने वाले हैं, इस दौरान वेरिएंट ज्यादा तेजी से उभरेगा, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ में जाने से बचें। बेवजह यात्रा पर ना जाएं। इस वक्त हम एक बड़े ग्रुप में नहीं रह सकते, हमें लगातार चौकन्ना रहना होगा। नियंत्रण और निगरानी की रणनीति महामारी से बचने के प्रमुख तरीके हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन है, लेकिन महामारी के खिलाफ अकेले वैक्सीन पर्याप्त नहीं है। हमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और पैरामीटर कंट्रोल पर भी ज्यादा जोर देना होगा। विश्लेषण ये भी बताते हैं कि ओमिक्रॉन से संक्रमित करीब 70% मरीज में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत में अभी भी डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें अभी भी वही रणनीति जारी रखने की आवश्यकता है। कोविड-19 के नियमों का पालन करने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओमिक्रॉन से संक्रमण में गंभीर लक्षण देखने को मिले। भारत में डिटेक्ट हुए 1/3 ओमिक्रॉन मामलों में हल्के लक्षण देखे गए हैं, जबकि बाकी मरीजों में किसी तरह का लक्षण नहीं है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।